उधर भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निशाना साध रही है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल सरकार सारिया कानूनी तजवीज़ों ध्यान में रख के लोकपाल बिल लिया है तो पार्टी उसका समर्थन करेगी। स्पष्ट मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका पूरा विधायक दल 100% कृत संकल्प है और इस विषय पर हमारी कमिटमेंट आम आदमी पार्टी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कई गुना ज्यादा है। संविधान की संबंधित धाराओं का आदर करते हुए उपराज्यपाल महोदय से स्वीकृति लेकर जन लोकपाल बिल दिल्ली की विधानसभा में आएगा तो डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी, उसका अध्ययन करेगी और उसका अध्ययन करने के बाद दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में अपनी पूरी सहायता करेगी। देखिए, जो लोग जबरन शहीद होना चाहते हैं और नाटक के माध्यम से अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहते हैं उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जिस भी तंत्र से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है उस सिस्टम के साथ खड़ी है। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेचर बढ़ा है और जिस प्रकार से आज विश्व में यह प्रतीत होता है कि स्वाभाविक रूप से 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, चूंकि अमेरिका भी एक बहुत प्रबल लोकतांत्रिक प्रदेश है, देश है, स्वाभाविक रूप से अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मेल्टडाउन करे और भारत के भावी प्रधानमंत्री को मित्र के रूप में एक्सेप्ट करे। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिला है हिंदुस्तान के न्याय प्रणाली से, अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।